हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक के पोएम नंबर 10 द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन की समरी के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी समरी और इसके इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ऑगडेन नेस द्वारा लिखित एक हास्य कविता है, जिसमें बलिंडा नाम की एक लड़की होती है और अपने 4 पालतू जानवरों के साथ एक छोटे से घर में रहती है, जिसमें से एक इंक, जो एक छोटे काले रंग का बिल्ली का बच्चा होता है, एक ब्लिंक, जो एक छोटा स्लेटी रंग का चूहा होता है, एक मस्टर्ड, जो एक पीले रंग का कुत्ता होता है, और एक कस्टर्ड, एक छोटा पालतू अजगर होता है। इंक, ब्लिंग और मस्टर्ड हमेशा अपनी बहादुरी की सेखी मारते रहते थे। वे कस्टर्ड का उसकी कायरता के लिए मजाक उड़ाया करते थे। वो हमेशा कस्टर्ड से बोलते थे कि वो इतना बड़ा होते हुए भी कितना कायर और डरपोक है। इसके बाद एक दिन ऐसा होता है, उनके घर में एक डाकू आ जाता है। उनके घर में जब डाकू आ जाता है तो उसके दोनों हाथों में पिस्तौल होती है। ये देखकर इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड डरकर भाग जाते हैं और अपने आप को छुपा लेते हैं, लेकिन कस्टर्ड बहादुरी के साथ डाकू का सामना करता है। वो अपनी पूंछ में उसे दबाकर पटक देता है और उसे मारने का प्रयास करता है और उसे मार देता है। बलिंडा ये सब देखकर बहुत खुश होती है और कस्टर्ड को गले लगा लेती है। ये सारी चीज़ें देखकर दूसरे जानवर भी खुशी से नाचने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले। दोबारा से वे अपनी ही खुद की तारीफ करने लग जाते हैं जैसे पहले किया करते थे, वैसे ही जैसे वो अपनी तारीफ करते थे और उसे कायर समझते थे। इसके बाद लड़की भी उनकी बातों में आ जाती है और दोबारा से इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड को अपना प्यार देने लगती है। इसके बाद मस्टर्ड को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी पोएम जिसमें कैसे एक कस्टर्ड सभी लोगों की जान बचाता है, फिर भी उसका मजाक बनाया जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। अब हम इसके इम्पोर्टेंट MCQ करेंगे। इसका जो फर्स्ट MCQ है, हु मोर्न ओवर द डेथ ऑफ द प्रेट। ऑप्शन नंबर ए ब्लिंक, बी कस्टर्ड, सी इंक और डी नन। तो इसका आंसर होगा डी नन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर। ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ही वाज हर्ट, बी फॉर अ न्यू माउस, सी फॉर अ नाइस सेफ केज, डी नन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर अ नाइस सेफ केज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज कॉल्ड कवर्डली। तो ऑप्शन नंबर ए ब्लिंक, बी कस्टर्ड, सी इंक, डी रीदर। तो ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कस्टर्ड, उसे कायर समझा जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज मस्टर्ड। ऑप्शन नंबर ए बलिंडास लिटिल येलो रैट, बी बलिंडास लिटिल येलो माउस, सी बलिंडास लिटिल येलो डॉग और डी बलिंडास लिटिल ग्रे ड्रैगन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलिंडास लिटिल येलो डॉग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डिड बलिंडा लीव। ऑप्शन नंबर ए इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, बी इन अ लिटिल येलो हाउस, सी इन अ लिटिल ग्रे हाउस और डी इन अ लिटिल पिंक हाउस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड कस्टर्ड डू टू द पीरेट। ऑप्शन नंबर ए एट हिम, बी स्केर्ड हिम अवे, सी हेल्ड हिम हॉस्टेज और डी नन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एट हिम, जो वहाँ पे डाकू आया था उसका कस्टर्ड क्या करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हु डिड बलिंडा यूज टू टीज। ऑप्शन नंबर ए किटन, बी माउस, सी ड्रैगन और डी डॉग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ड्रैगन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट ऑल डज द ड्रैगन पोजेसेस। ऑप्शन नंबर ए बिग शार्प टीथ, बी स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, सी शार्प टूज और डी ऑल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
ऑल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट टिमिड ऑफ ऑल। ऑप्शन नंबर 1 किटन, बी माउस, सी ड्रैगन और डी डॉग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ड्रैगन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक किटन। ऑप्शन नंबर ए है कस्टर्ड, बी इंक, सी ब्लिंक और डी मस्टर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंक। तो दोस्तों ये थे एमसीक्यू, आई होप आपको ये सारे एमसीक्यू समझ आए होंगे। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।